बस लेकिन ये जहरीले बिल्कुल भी नहीं होते। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदेश के सर्प मित्र पे। अभी मेरे पास एक रेस्क्यू को कॉल गया था, मैं फाइनली उसी स्थान पर चुका जहाँ से मुझे फोन किया गया था। फोन किसने किया था भैया? सौरभ किए थे। चलिए आप नहीं, वहाँ पे नाम सौरभ यादव, पता मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। चलिए, क्या देखो यहाँ पे भैया, बिछखपड़ा, उससे डरते हो क्या? चलिए आज हम आपका डर दूर कर देंगे। चलिए, अच्छा मसाला हल्का वाला लगा है। नहीं तो हमें ये जगह तो तोड़ रहे थे भैया, इतनी मेहनत करने। इधर आ गया, कहाँ इसके अंदर तो नहीं ना। बस मिल गया। वीडियो में दिखा, वीडियो में। चलिए देखिए, यही है इनका, बहुत ही जहरीला जीव, इसको देख लोग डर रहे थे। आइए पहले नीचे ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ एक सीमेंटेड पत्रा है, यह इतना हार्ड नहीं होता, कभी भी टूट सकता है, धोखा दे सकता है, खतरा हो सकता है, इससे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन इससे दो घंटे से परेशान थे, शायद कभी मारे भी होंगे एकाध दो ना। एक मार दिए थे। देखिए बड़ी प्रजा की छिपकली है, जंगली छिपकली होती है, एक साथ में कई कई अंडे देती है, जब अंडे से बच्चे फूट के निकलते हैं तो एक नहीं कई निकलते, कम से कम 15-16-18-20 तक हो जाते हैं, 25-25-30 तक हो जाते हैं। लेकिन ये जहरीले बिल्कुल भी नहीं होते, ये जहरीले बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन एक अंधविश्वास के चक्कर में, गलत अफवाह के चक्कर में बेचारा बेकसूर मारा जाता है, जबकि इंसानों के बिल्कुल भी घातक नहीं। देख रहे काट रहा है, अब कैसे लोग कहते हैं बिछकपड़ा काट लिया, फला आदमी फला गाँव में मर गया था। अरे हमारी माई हो, क्या करें आप, क्या करना चाहते हैं? देखिए एक नॉन बेनमस बड़ी प्रजाति की छिपकली है, जिसको लोग कहते हैं कि यह जहरीला था बिछकपड़ा, लेकिन बिछकपड़ा होता नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ भारत के अंदर ऐसी कोई छिपकली प्रजाति नहीं। थोड़ा सुनिए आप लोग, थोड़ा सा सुनिए, शोर मचाएंगे, सुनेंगे क्या बार, हम पड़े रहेंगे, जो नहीं मरने वाला वो भी हाथ से मर जाता है। यह एक बड़ी प्रजाति की छिपकली है, ये काटती नहीं, पहली बात तो जल्दी किसी को अगर कभी काट ले तो इसके अंदर जहर नहीं होता। अब देख रहे हैं ना, इसके मुंह के अंदर हमने हाथ डाला है, देख रहे हैं ना, देखिए काट लिया ना। बताइए कितने टाइम में आदमी मरता है इसके काटने पे, बाइट करने पे, कितने टाइम मरता है आदमी? तुरंत। हम तो देखिए आपके सामने खड़े, हम तो नहीं मर रहे हैं। अगर कोई भाई कटवा के अजमेर आपको अजमाना चाहता है तो अजमा ले, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ इसके अंदर जहर नहीं होता, यह जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता। जहरीला नहीं, डर है, लोगों के अंदर इतना डर फैल गया, झाड़ फूक वाले अंधविश्वास फैलाए हैं। क्यों फैलाए हैं? जिस दिन सांप काटता बिना जहर वाला, उस दिन तो झाड़ फूक करके बचा लेते हैं, जिस दिन जहरीला सर्प काटता उस दिन बचा नहीं पाते, तो क्या कहते हैं, बिछकपड़ा काट लिया आपको, बिछकपड़ा के अंदर इतना जहर है इसलिए हम नहीं बचा पाए, यही कहते हैं ना। ये बात सही है, यही कहते हैं ना, फुल्का जब सांप काटते हैं तब उसको बचा लेते हैं। अब भैया के समझ, भैया आप इधर आइए, आइए आप इधर आइए, आइए, डरिए मत, हम आपको कटो, आप डरिए डरिए नहीं सर, आप अब हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे? सही कह रहे हैं आप जो बता रहे हैं, अब अपना बताइए थोड़ा सा कुछ तो। जैसे जब छोटा मोटा सांप काटते हैं छोटा जहरीला है, हाँ, बिना, हाँ। और जो सर्फ जहरीला रहता है उसको काट लेते हैं, नहीं बचा पाते हैं, तो उसको क्या बताते हैं कि बीच खोपड़ा काट लिए। सच्चाई यही है, यही सच्चाई है, जिस दिन हमें विषैला सर्फ काट लेता है उस दिन वो बचा नहीं पाते, उनकी दुकानदारी खत्म होने वाले। लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी क्या होते हैं, भोले भाले हैं, यहाँ अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, इसलिए उनको गुमराह करने में समय नहीं लगता, बेवकूफ बनाने में समय नहीं लगता। हमने तो देखा अनपढ़ तनपढ़ पढ़े लिखे भी बेवकूफ बन जाते हैं, अपने माइंड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने दिमाग का, बस उनके अफवाह में पड़ जाते हैं। भैया सब लोग तो इसमें पढ़े लिखे होंगे ना, लेकिन सबका मानना है जहरीला होता है, तो सभी जान रहे हैं, सभी भाई जान रहे हैं कि बहुत जहरीला है। तो आप लोग साइंस विज्ञान भी पढ़ा करें, उसमें सारी जानकारी दी जाती है लगभग लगभग, तो आप साइंस और विज्ञान की तरफ जाएंगे तो आप पूरी हकीकत को जानेंगे।
देख रहे हैं किस तरह पकड़ा है ना आप घुसाने, देखिए जितना खींचेंगे उतना ही काटेगा। क्यों? इसको हमने पकड़ा है, अभी छोड़ देंगे इसको, तो छोड़ के हाथ को भागे। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं छपड़ा थूक देता है तो भी आदमी मर जाता है, यह सब एक नामुमकिन बातें हैं, मुमकिन नहीं हो सकती, यह झूठी बातें हैं। बिछकपड़ा बिल्कुल भी थूकता नहीं, नहीं किसी को काटता है, इसको हम पकड़ते नहीं, कटवाते नहीं, जबरदस्ती तो काटता भी नहीं, यह काटता नहीं। भैया बताए हैं कि अभी सही कह रहे थे कि जो जहर वाला सांप काट लेता है तो कह देते हैं बिछकपड़ा काटा है, वह बचा नहीं पाते, तब उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। चलिए इसको हम खींच के छुड़ा देंगे, इसमें छुड़ाने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा जो आप लोगों के अंदर अंधविश्वास फैलाएगा, डर है, उसको हमारा निकालने का मकसद है, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि दूर दूर तक लोगों के पास जाए हमारा वीडियो, लोग वीडियो को देख के जागरूक हो। आप लोगों का काम है कि शेयर करना, लोगों के पास शेयर करेंगे लोग डरेंगे नहीं, लोगों के पास जानकारी होगी। अब मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ ये जहरीला नहीं होता, अगर कोई साबित कर दे कोई भी तो मुंह मांगा इनाम देता हूँ। देखिए आपके सामने छोड़ रही ना, अब बताइए कितना टाइम हो गया, हम तो नहीं मर रहे ना, चार पांच मिनट हो गया, चार पांच मिनट इतना चलिए। अभी जैसे दोबारा बता रहा हूँ कि यह हिंदुस्तान है, यहाँ अशिक्षित लोग ज्यादा हैं और गुमराह भी, जो पढ़े लिखे भी वो भी गुमराह है, क्योंकि अंधों में काना राजा होता है, एक तंत्र मंत्र वाला बेकूफ इस तरह बनाता है, सच्चाई यही कि तंत्र मंत्र होता नहीं, मैं पूरे गारंटी दे सकता हूँ तंत्र मंत्र नहीं होता, जितने भी जादू तंत्र वाले तो क्या उनके अंदर हाथ की कला हाथ की सफाई होती है और तंत्र मंत्र होता नहीं है। देखिए छोड़ नहीं रहा जल्दी से, जबरदस्ती खींचेंगे थोड़ा सा छोड़ेगा, देखिए गाटा आपके सामने ना, कलर तो नहीं बदल रहा कहीं, हम तो नहीं मर रहे ना, अगर कोई कटवाना चाहता है जितने भी निशान है सब ये कटवा कटवा के बिछकपड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ जाते हैं वो लोग मानते नहीं, कटवा के दिखाना पड़ता है। अच्छा बोलते हैं मतलब आइए दंत होता है, अब तो मान गए आप लोग जहरीला नहीं होता ना, अगर कोई कटवाना चाहता अपने हाथ को कटवा के देख सकता है पूरा, जब तक आप नहीं मरेगा, ये इसी तरह लोग अगर इसी तरह लोग रोकते ना हर किसी घर वाले, आज हमारा देश आजाद नहीं होता है। चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद सिंह ये सब लड़ने के लिए जो जा रहे थे उनके घर में परिवार नहीं थे, वो लड़े थे, आप केवल सच्चाई दिखाने के लिए कटवाना चाहते हैं तो आपके घर वाले मना करते हैं, नहीं नहीं मत करना। चाचा जी जहरीला होता है या नहीं होता ना? चाचा पहले डरते हैं लेकिन आज के बाद इसे मारेंगे तो नहीं आप लोग ना, यह रहता है हमारे आस पास के वायरल को शुद्ध करता है, इसलिए कि यह सड़े गले मांस को कीड़े मकोड़ों को छोटे मोटे सांप को भी खा जाता है, इसका भोजन छिपकली मेंढक ये सब है और छोटे मोटे सांपों को भी खा जाता है, चूहे को खा जाएगा, इस यह मांसाहारी होता है शुद्ध रूप से। तो ऐसे जीव जंतु को मारे ना, भगवान ने जितने भी चीजें बनाया धरती पे हमारे हित के ही लिए बनाया है, यह सुरक्षित है तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित है, इसलिए आज के बाद आप लोग बिल्कुल मारेंगे नहीं ना, बिल्कुल हाथ उठा के बोलिए नहीं मारेंगे, चलिए धन्यवाद आप लोगों का, नहीं मारेंगे, मारना भी नहीं चाहिए। चाचा जी इधर आइए, चाचा जी अभी तक ठीक है, नहीं मारते ना, थोड़ा शांत रहिए आप लोग। चाचा जी झाड़ फूक करते थे? करते थे बाबा, नजर झाड़ते थे क्या? अच्छा बताइए बाबा कर रहे थे, रुक जाइए रुक जाइए, क्या तंत्र मंत्र होता सही में दादाजी? तंत्र मंत्र हो रहे जो फाजा का ये तंत्र मंत्र है, ठीक है सच्चाई, अंधेरे में तीर चला दिए निशाने पर लग गया तो निशानेबाज बन गए, वरना हम निशानेबाज नहीं है, तो सच्चाई होता है यही हम बता रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए अनपढ़ों में कहते हैं ना अंधों में काना राजा होता है, अनपढ़ों में चलाक आदमी बेवकूफ बना लेता है, गुमराह कर देता है, तो आप लोग सच्चाई ईमानदारी पर रहेंगे आपको शायद दुख बहुत कम आएगा, जो लूट घसोट करने वाले कमाने वाले हैं दूसरों को ठगने वाले बेईमानी करने वाले वह ज्यादा परेशान रहते हैं हर एक चीज से, अर्थव्यवस्था से मानसिक रूप से हर एक चीज से, वह उनके घर में कुछ लोग बीमार भी रहेंगे, हमेशा दवा करते करते जितना लूटते घसोटते हो दवा करते करते परेशान हो जाते हैं, इसलिए कहता हूं सच्चाई और ईमानदारी से रहिए। अब देखेंगे जितना ओझा गुनिया है वह अक्सर परेशान रहते हैं, कभी उनके घर में औलादे नहीं होती, कहीं कहीं हमने देखा ऐसे पाए जाते हैं कोबरा करैत और इसके अलावा कोई सर्फ नहीं है जहरीले, जितने भी सांप काटते हैं जो झाड़ फूक वाले बचा लेते हैं तो है बिना जहर वाला काटते हैं।
लेकिन जिस दिन जहरीला सांप काटता है उस दिन झाड़ फूक वाले घर के अंदर बोलिए सर घर के अंदर दीवारों पर अक्सर रहता है ना, उसे कॉमन उल्पिछने बोलते हैं, काटने में बहुत माहिर होता है लेकिन वो जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता है। कोबरा करैत, करैत बिल्कुल ब्लैक होगा, उस पर सफेद सफेद रंग की धारी बनी होती है, तो वह करैत है। वह कोबरा से भी 6 से 7 गुना उसका जहर घातक होता है, क्वालिटी होता है। क्राइट वही जो छोटा वाला, छोटा वाला रहता है ना, जो छोटा वाला रहता है दिघात का, क्राइट वही होता है, पतला सा छोटा सा। चलिए न समय ज्यादा गाते हुए हम इसको पैक करते हैं। कोई डब्बा मिल जाएगा भैया इसको पैक करने के लिए? रेश कुमार सक्सेसफुल हुआ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदारी से ज्ञान कर लिए हैं और विश्वास भी कर लिए हैं। ये लोग मान गए जहरीला नहीं होता, भैया मान गए ना चित्रा? बिल्कुल पक्का दिल से मान गया ना, ये नहीं कि अंदर से भी दुखदा है, थोड़ा मोड़ा कसर रह गई। चलिए धन्यवाद आप लोगों का, भरोसा करें ये लोग। चलिए अब से आज के बाद ये लोग मारेंगे नहीं, नेक्स्ट मिलता किसी वीडियो में किसी दिन वो चाहते हैं, तब तक हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद देता हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।